हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे ये 13 देश, लेकिन आज हिंदू धर्म का यहाँ नामो निशान नहीं है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। नंबर 13, अफगानिस्तान। गांधार और कंबोध प्राचीन काल के राज्य थे जहाँ हिंदू राजा राज्य करते थे। उसके बाद यहाँ पारसी और बौद्ध धर्म के राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में इन जमीनों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। इस देश ने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम बना लिया और अफगानिस्तान में आज तक लोग कभी खुश नहीं रह पाए हैं। नंबर 12 है पाकिस्तान। साल 1947 में पहले भारत का ही हिस्सा था और सिंध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये अलग देश बना जिसमें पंजाब, मुल्तान, पेशावर, बलूचिस्तान आधे भाग मिले। पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म इस्लाम रखा। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है और आतंक की फैक्ट्री चलाता है। नंबर 11 है बांग्लादेश। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1949 में आवामी लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को संयुक्ता दिलाना था। 1971 शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नए देश का नाम रखा बांग्लादेश। नंबर 10, नेपाल। आज नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कुछ साल पहले यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन ये भी एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित हो गया। प्राचीन भारत वर्ष में नेपाल भारत का ही अखंड भाग था, जिसे देवघर कहा जाता था। इसी देश में भगवान श्री राम की पत्नी सीता, जिनका जन्म स्थल मिथिला में स्थित है। नंबर 9, भूटान। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूटान भी कभी भारतीय महाजन पदों के अंतर्गत एक जनपद था और अखंड भारत वर्ष का हिस्सा था। भूटान संस्कृत के शब्द भूटान से बना शब्द है। नंबर 8, तिब्बत। तिब्बत को ट्राइविस्टम कहा जाता था, जहां ऋषिका और तुषाराम नामक राज्य थे। आज चीन द्वारा कब्जा किया हुआ ये देश भी भारत वर्ष का अभिन्न अंग था। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और ये बौद्धों का प्रमुख केंद्र भी बन गया। नंबर 7, म्यांमार। म्यांमार को प्राचीन भारत वर्ष में ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। ये देश प्राचीन काल से ही भारत का ही उपनिवेशक रहा है। हालांकि मुस्लिम शासन काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य सत्ताएं कायम हो गई। नंबर 6, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा महाद्वीप है। ये भारत के चोल और पांड जनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यहाँ के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपना कर इसे राज्य धर्म घोषित कर दिया और आज श्रीलंका भारत से अलग है। नंबर 5, मलेशिया। मलय प्राय द्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर और दक्षिण और पश्चिम में मलक्का का जल डमरू मध्य है। उत्तर मलेशिया के बुजांग घाटी तथा मरबाग के समुद्र किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी है। मलेशिया अंग्रेजों के गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहां पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातु गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। आपको बता दें कि मलेशिया फिलहाल एक मुस्लिम राष्ट्र है। नंबर 4, सिंगापुर। प्राचीन काल में भारत के इस हिस्से का नाम सिंगापुर था, जो आज सिंगापुर हो गया है। बाद में 9 अगस्त 1965 को अंग्रेजों ने सिंगापुर को स्वतंत्र और एक गणतंत्र देश बना दिया। नंबर 3, थाईलैंड। हमें भले ही घूमने के लिए कहीं जाना हो तो थाईलैंड का नाम दिमाग में आता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब ये एक बौद्ध राष्ट्र है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास, उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में प्रशांत फ्नाम रंग नामक सुंदर मंदिर है। नंबर 2, कंबोडिया। पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर है।
नंबर एक वियतनाम। प्राचीन भारत वर्ष में वियतनाम को चंपा कहकर पुकारा जाता था। चंपा के लोग चांप कहलाते थे। वर्तमान समय में चांप लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आज के ये अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत के सम्राट विक्रमादित्य संपूर्ण अरब को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आज जिस तरह लोग जात पात में बट रहे हैं उससे हमारे देश को खतरा है, क्योंकि हमारे देश पर राष्ट्र विरोधी ताकतों की बुरी नजर है और वे हमें आपस में लड़ा रहे हैं। इनसे सावधान रहना सीखें, नहीं तो हमें आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पछतावा तो होना ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान सावधान हो जाए। थैंक यू।